तो प्रिंट देखिए, साइड टेबल बनाने के लिए हमने जो इसका मटेरियल है वो पूरा कटिंग कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या साइज़ में कटिंग किया है। तो प्रिंट देखिए, सबसे पहले हमने दो पट्टे कटिंग किए हैं, 16.5 x 13.5 के, और ये एक हमारा ये हो गया और एक ये हो गया, ये हमने ऑलरेडी जॉइंट करके रखा है। और इसके ऊपर जो जॉइंट होगा वो ये वो रहेगा 16.5 x 10 का, तो ये 16.5 x 10 का इस पर इस प्रकार से जॉइंट होगा, जो आप देख सकते हैं एक मैंने ऑलरेडी जॉइंट करके रखा है इस प्रकार से। तो दो पट्टे हमने ये कटिंग कर लिए, और उसके बाद हमने दो ये पट्टा कटिंग किया है 18.5 x 14 का, एक हो गया, 20 x 16 का एक हो गया, और ये एक बैक सीट होगी 12 mm की, 14.5 x 20 की। और इसके साथ हमने यहाँ पे देखिए दो पट्टे कटिंग किए 12 mm के, जो कि 3.5 x 17 के हैं, और दो पट्टे हमने कटिंग किए 18 mm की, जो है 3.5 x 16 के। तो चलिए अब हम साइड बॉक्स को बना लेते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इनको हम रख देते हैं एक बार साइड में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 16.5 x 13 का जो पट्टा है उस पर हम 10.5 x 16 का जो पट्टा इस प्रकार से जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, हमारे जो दोनों साइड है वो तैयार हो गई है। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस प्रकार से देखिए, ये जो नीचे से रहेगा, ये जो 20.5 x 16 का पट्टा है, इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे की साइड में लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसा कि ये हमारी साइड रहेगी तो ये कुछ इस प्रकार से लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से इस पर लग जाएगा। तो हम इसको फटाफट से ठोक लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, नीचे की साइड में हमने ये लगा लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पट्टा है 18.5 का ऐसा अंदर और ऐसा डिप में 14.25 है, तो क्या हम यहाँ पे जो ड्रॉर चैनल 14 इंच का यूज़ करेंगे, तो इसको हमने 14.25 डिप में कटिंग किया है, और यहाँ पे हमारा ड्रॉर आ जाएगा 1.5 इंच सामने से बॉर्डर इसका दिखेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी इस प्रकार से ठोक लेते हैं, जो हमारा इसका लेमिनेट है वो नीचे की साइड में रहेगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये हमारा बॉक्स इस प्रकार से बन गया। और अब जो हमने 3 इंच की जो पट्टी कटिंग की थी, 2 पट्टी 3 x 16.5 की, वो हम इसको इस प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको यहाँ पे ठोक लेते हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पूरा इसका जो बॉर्डर है सामने से 1.5 इंच का हो गया, ऊपर से भी 1.5 इंच का हो गया, दोनों साइड का जो बॉर्डर 1.5 इंच का। फ्रेंड अब हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे साइड में ये देखिए, ये एक पट्टी लगा लेते हैं 18 mm का, 2.25 x 17 इंच, एक सूट अंदर आप हमारा जो इसका मेजरमेंट आता है इस प्रकार से, तो ये बॉर्डर इस प्रकार से कंटिन्यू पूरा 1.5 इंच का दिखेगा। तो इस प्रकार से हम इसको फेविकोल लगा के फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, पूरा जो हमारा साइड बॉक्स बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब काम बचा सिर्फ बैक शीट लगाना और पीछे का बॉर्डर बनाना। तो अब इसके पीछे की साइड बैक शीट लगा लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कटिंग करके रखा। आप देख सकते हैं ये रहा 12 mm का,
प्रकार से इसको फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं बैक सीट लगने के बाद हमारा ये रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने दो पट्टी कटिंग की थी 12 mm की 3x17 1 की, तो हम क्या करेंगे इसको इस प्रकार से यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो ये जो हमारा बॉर्डर है पूरा कंटिन्यू मतलब चारों साइड से आपको 1.5 इंच का दिखेगा इस प्रकार से। और यहाँ पर जो हमारा डार्क लेमिनेट आएगा और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें लाइट लेमिनेट आएगा। तो फ्रेंड इसको हम फिक्स कर लेते हैं अभी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं पूरा जो हमारा बॉर्डर 1.5 इंच का दिख रहा है पूरा इस प्रकार से। और ये जो हमारा टॉप है इसका 3 इंच डाउन रहेगा, यहाँ पर हमारा जो 12 mm का ग्लास आएगा तो इसके नीचे का स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर का जो आप कुछ भी सामान भी रख सकते हैं। अगर आप ग्लास ना लगाओ तो भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा साइड टेबल और अब हम क्या करेंगे इसके नीचे की साइड लेमिनेट लगाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप फाइनली जो हमारा ये नीचे का बेस है यहाँ पर हमने लेमिनेट इसको चिपका लिया है और अब हम क्या करेंगे इसके नीचे लगाएंगे ये देखिए 2 इंच के SS के पाए ये इस प्रकार से लगाएंगे यहाँ पे। तो 4 पाए हम लगाने वाले, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे निशान कर लेते हैं इस प्रकार से 3x3 इंच का इस प्रकार से निशान कर लेते हैं हम। यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ जाता है हमारा इस प्रकार दोनों साइड। तो फ्रेंड हमने चारों निशान कर लिए हैं जो कि 3x3 पे कोने पे रहेगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे ये जो 2 इंच के SS के पाए यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 mm बिट से हल्का सा यहाँ पे कोटेशन डाल देंगे ताकि जो इसका जो स्क्रू थोड़ा बाहर रहता है वो इसके अंदर बैठ जाए। तो फ्रेंड हमने इसके चारों पाए लगा लिए हैं तो अब हम इसको सीधा रख देते हैं। ये देखिए सीधा रखने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा और इसके बाद में सामने यहाँ पे इसका ड्रॉअर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी साइड टेबल बना सकते हैं, काफ़ी यूनिक और शानदार ये डिज़ाइन है। और बाकी ड्रॉअर का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ड्रॉअर किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने एक चैनल पे ऑलरेडी डाल के रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख कर ड्रॉअर बना सकते हैं किस प्रकार से ड्रॉअर बनाया जाता है। पूरा ट्यूटोरियल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। साइड टेबल है जो बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिखेगा। ऊपर का जो बॉर्डर है इसका टॉप का इस प्रकार से तीनों साइड से 1.5 इंच का दिखेगा और ये 3 इंच डेप्थ के अंदर है। सामने से यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का ड्रॉअर रहेगा, अंदर के साइड में हमने पूरा ऑफ वाइट लेमिनेट में इसको फिनिश करके रखा है। और यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं 2.25 इंच का बॉर्डर, यहाँ पर जो कलर लेमिनेट आएगा तो ये जो हमारा डार्क कलर में फिनिश होगा और ये लाइट कलर में फिनिश होगा। इस प्रकार से ये साइड टेबल आप भी बना सकते हैं।